बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक की तारीख तय हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के लिए 27 मई की तारीख तय की है, जिसके लिए सभी पार्टियों के नेताओं को फोन कर बैठक की जानकारी दी जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, देखिए बातें तो बहुत कुछ कही जाती है, बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन वर्तमान में तो यही है कि नीतीश कुमार जी को डराने की क्या बात है। नीतीश जी तो बोल्डली सब काम अपना कर रहे हैं और उसमें भाजपा के साथ रहते भर में भी, एनडीए के साथ रहते भर में भी, भाजपा के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे खिलाफ होकर के वो काम कर रहे हैं, तो एकदम दृढ़ होकर के काम कर रहे हैं और उनको समर्थन एक तरह से जनता की मिल रही है। अब जैसे जातीय जनगणना का मामला है, हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें हम भी शामिल होंगे, तो निश्चित ही कुछ दिन तय किया जाएगा कि जातीय जनगणना होगी, जो कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। तो इसमें भाजपा किनको डराने के लिए किया है या किसी को प्रमोट करने के लिए किया है, ये स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन इसको टेंजिबल कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक आखिरी सवाल है सर कि राज्यसभा चुनाव होना है, 5 जो सीट है बिहार की खाली हो रही है, कहा जा रहा है 1 सीट जेडीयू के खाते में जा रही है, लेकिन आरजेडी तो कह रही है इसी 1 सीट के लिए जेडीयू में 4 पार हो गया है, आरसीपी सिंह एक बार फिर राज्यसभा नहीं जा रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि अभी तक के 1 सीट के बारे में निर्णय नहीं हुआ है जेडीयू की तरफ से, तो कहीं न कहीं शंका होती है, लेकिन ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। रही बात एनडीए की बात होती, जिसकी चर्चा हम जब महागठबंधन में तब भी कहते थे कि कोई भी निर्णय हो तो सब लोग आपस में बैठ विचार करके निर्णय लें, और वही स्थिति आज एनडीए में है। एनडीए में कोई भी डिसीजन होता है तो अपने मन से लोग करते हैं, बोचहा में देखा कि कैंडिडेट यूनिलैटरली दिया गया, क्या हालत हो गया वहाँ, उसी प्रकार से अन्य निर्णय होते हैं तो अपने अपने लोग करते हैं। हम छोटी पार्टी हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि साहब आपस में बातचीत हो, और बातचीत न होती है तो हम तो एज ए होल कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होना चाहिए हमारे एनडीए में, अभी तक उसकी कमी है, और उसका कमी का कारण यही है कि भाजपा कुछ सोचती है और नीतीश कुमार कुछ सोचते हैं, जीतन मांझी का औकात उन लोग समझते हैं कि कुछ है नहीं, तो जीतन मांझी से क्या हम पूछें। तो वैसी परिस्थिति में जदयू में केक फाट है या नहीं है ये तो वक्त का तगाजा है, लेकिन इतनी बात तो ज़रूर हम कर सकते हैं कि अभी तक राज्यसभा का जो निर्णय होना चाहिए था टिकट का न होना सचमुच में कहीं न कहीं संदेह की बात है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने जब जातिगण जनगणना कराने से इनकार कर दिया, इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से जनगणना कराने की बात कह दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए दिल्ली से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।